इंदौर की रहने वाली इंदु दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका विश्वास दुर्गा माँ के लिए बहुत ही गहरा था, तो वो हमेशा अपने माता पिता को कहती थी, मेरी दुर्गा माँ मेरे लिए जो भी करती है मेरे लिए सही ही होता है। हाँ बेटा, हम अच्छे से जानते हैं कि तेरा दुर्गा माँ पर कितना विश्वास है। अजी, दुनिया भर की बात कर लेना, बस काम की बात ही मत बताना। जो बताने आए थे वो बताइए। काम की बात? माँ, कौन सी काम की बात? वो बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, और अगर तुझे भी पसंद आ जाए तो हम बात आगे बढ़ा दें। पापा, अगर आपको लड़का पसंद है तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, बाकी मेरी दुर्गा माँ सब संभाल लेंगी। उनके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। फिर इंदु के पिता उसका रिश्ता तय कर देते हैं। इंदु भी दुर्गा माँ पर विश्वास करके कुछ समय बाद शादी कर लेती है। इंदु अपने ससुराल में भी माँ दुर्गा की उपासना करती रहती है। वो दिन रात पूजा करती थी, जिस कारण उसकी सास हमेशा उसको ताने देती थी। हे भगवान, ये हम ना जाने कैसी बहू लेकर आ गए हैं। जब देखो पूजा में ही लगी रहती है, इसे और किसी भी काम की सुध-बुध नहीं रहती है। माँ जी, पर मैं घर के सारे काम समय से कर लेती हूँ, फिर अपनी दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ, पर आप इतना गुस्सा क्यों हो? अरे बहू, घर के काम के अलावा भी और बहुत कुछ काम होते हैं। लोगों से बोलना चालना होता है, पड़ोसियों से भी मेल जोल रखना पड़ता है, लेकिन तुझे कोई भी शौक नहीं है। यहाँ तक कि अपने पति से भी ज्यादा नहीं बोलती तू, बस अपने काम में और अपनी ये देवी माँ में ही लगी रहती है। तभी इंदु का पति आकर कहता है, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपकी बहू ऐसी है जिसको पूजा पाठ पर इतना विश्वास है, वरना आजकल की लड़कियाँ कहाँ पूजा करती हैं, उनको तो भगवान को याद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, मेरी बहू ऐसी है कि इसको पूजा के अलावा कोई काम नहीं है। तो माँ आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपके घर में ऐसी बहू आई है जिसे देवी माँ पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। अरे बेटा, विश्वास की बात नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई बच्चा भी तो नहीं है। बहू को घर परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। माँ तुम बेकार में परेशान होती हो, सब सही हो जाएगा। देवी माँ जो करती है सब सही करती है। देख लेना, इंदु भी जल्दी माँ बन जाएगी, क्योंकि उसका विश्वास देवी माँ पर इतना ज्यादा है कि देवी माँ उसे कभी निराश नहीं होने देंगी। हाँ हाँ ठीक है, बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला। चल अब मुझे आराम करने दे। फिर कुछ दिनों बाद इंदु गर्भवती हो जाती है, और जैसे ही वो ये बात अपनी सास को बताती है, उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो मेरी ये इच्छा भी जल्दी पूरी होने वाली है। मैं जल्दी एक बच्चे की दादी बनने वाली हूँ। माँ जी, ये सब मेरी दुर्गा माँ का चमत्कार है, उनका ही आशीर्वाद है। हाँ बेटी, तुम्हारी भक्ति से अब मुझे भी लगने लगा है कि मुझे भी देवी माँ की भक्ति करनी चाहिए। देवी माँ सब कुछ सही कर देती हैं, बस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। तुम सही कहती हो कि देवी माँ जो भी करती है सही करती है। हाँ माँ जी, मेरी दुर्गा माँ को बस जरूरत है तो श्रद्धा और भक्ति की। जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो उसे हमेशा ही फल देती है, और उसके दुखों को भी खुशियों में बदल देती है। फिर तो बेटी, हमें देवी माँ की अच्छे से आराधना करनी चाहिए। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ बेटी, बताओ क्या बात है। माँ जी, मैंने देवी माँ से बोला था कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाऊंगी। तो बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, माता रानी का दिया हमारे पास सब कुछ है। हम कल ही देवी माँ के चरणों में प्रसाद अर्पण करने चलेंगे। ये सुनकर इंदु बहुत खुश होती है, और वो अगली सुबह चलने की तैयारियां करने लगती है। वो एक रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है, जो इंदु के चेहरे का तेज देखकर बोलता है, ये देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त लगती है। आज देखता हूँ ये देवी माँ की शक्तियाँ सच में आज के कलयुग में भी काम करती हैं या नहीं। सतयुग में तो देवी माँ से सब घबराते थे, मुझे नहीं लगता कि वो कलयुग में भी भक्तों को बचाने के लिए अवतरित हो सकती है। इंदु माँ दुर्गा का नाम लिए उनके दरबार में चली जा रही थी। माँ दुर्गा की जय हो, बोलो शेरावाली माँ की जय हो। अब दुर्गा माँ की इस भक्त का विश्वास चकनाचूर करता हूँ। वैसे भी इस कलयुग में कौन सा माँ आएगी, अब ये युग सिर्फ हम राक्षसों का है, और यहाँ जयकारा भी हमारा होगा। फिर वो राक्षस एक बैल का रूप ले लेता है और इंदु की तरफ दौड़ता है। ये देखकर उसकी सास डर जाती है। इंदु बेटा, बेटा हटो, ये बैल तुम्हारी तरफ ही आ रहा है,
हटो बेटा। इतना सुनते ही इंदु अलग हट जाती है, जिस कारण राक्षसी बैल सीधे निकल जाता है और वो घूमकर वापस इंदु की तरफ आता है। ये देखकर इंदु वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बैल इंदु के पीछे दौड़ता रहता है। ये बैल मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? हमने तो कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाया। हे माता रानी, मेरी बहू की और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करना, वो आपकी भक्त है, उसका विश्वास बनाए रखना। पता नहीं इस बैल को हमसे क्या चाहिए, अब तो बस देवी माँ का ही सहारा है, वही मुझे बचा सकती है। इंदु भागते हुए थक जाती है तो वो वहीं पर हाथ जोड़कर बैठ जाती है और देवी माँ की आराधना करने लगती है। राक्षसी बैल दौड़ते हुए इंदु की तरफ आता है और उसको अपने सींगों से मारने ही वाला होता है, लेकिन वो इंदु तक पहुँच ही नहीं पाता। ये क्या हो रहा है, मैं इस लड़की के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? राक्षसी बैल अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो इंदु तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो गुस्से से बोलता है, लगता है कोई शक्ति इसकी मदद कर रही है, मुझे और जोर से बल लगाना होगा। फिर राक्षसी बैल थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर से अपनी पूरी ताकत से दौड़कर इंदु के पास आता है, लेकिन इस बार भी वो इंदु को छू नहीं पाता। ये सब क्या हो रहा है, आखिर इस लड़की की रक्षा कौन कर रहा है, मैं क्यों इसे मार नहीं पा रहा? ऐसा तो नहीं है कि स्वयं देवी ही इसकी मदद कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे आखिरी बार प्रयास करना होगा। राक्षसी बैल आखिरी बार इंदु की तरफ दौड़ता है और तभी इंदु के आगे देवी माँ हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट होती है, जिसे देखकर राक्षसी बैल रुक जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है और माँ से बोलता है, देवी माँ मुझे क्षमा करो, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या आज के समय में भी आप भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं या नहीं। जो भक्त मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा और मन से करता है, मैं उसकी सहायता के लिए कलयुग क्या कोई से भी युग में अवतरित हो सकती हूँ। मुझे अपने भक्तों से उतना ही प्रेम है जितना मेरे भक्तों को मुझसे प्रेम है। ये सुनकर राक्षस माँ के चरणों में झुक जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है। माँ भी प्रसन्न हो जाती है और उसे क्षमा कर देती है। इंदु अपनी देवी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और देवी माँ को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती है। माँ मैं धन्य हो गई, आज आपने मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा स्वयं की है, आपको शत शत नमन दुर्गे माँ। बेटा इंदु, जब जब कोई भी भक्त सच्चे मन से मुझे याद करेगा, मैं उसकी रक्षा करने स्वयं आऊंगी। इतना कहकर देवी माँ विलुप्त हो जाती है। ये देखकर इंदु की सास भी बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, बेटी आज तेरी वजह से मुझे भी देवी माँ के साक्षात दर्शन हो गए, धन्य है देवी माँ, धन्य है तेरी शक्ति, जय हो देवी माँ। नवरात्रि आने वाली थी, लोग उसकी तैयारियों में जुटे थे, सभी माता के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सुधा के चेहरे पर उदासियों ने जैसे अपना घर बना लिया था। उसकी आंखों में सैलाब भरा हुआ था जो बार बार बाहर आने को तैयार बैठा था। दुर्गा भक्त सुधा आज उसी दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के नीचे अपनी तीनों बेटियों के साथ बैठी भीख मांगने को मजबूर हो गई थी, जहां हर दिन वो बिना नागा किए हुए पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। माता को फूल चढ़ाती, जल चढ़ाती, कभी कभी मिठाई का भोग भी लगाती, लेकिन आज एक रुपये दे दो बाबूजी, एक रुपया दे दो, मेरी बच्चियां कई दिनों से भूखी हैं, एक रुपया इस गरीब की झोली में डाल दो बाबूजी, डाल दो। सुधा माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी, तमाम तकलीफें थी उसके जीवन में, लेकिन उसकी उम्मीद माँ दुर्गा से हमेशा लगी रहती थी। माँ भीख में आज 7 रुपए मिले हैं, हम लोग ब्रेड ले आए क्या? हाँ हाँ ले आ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, वो क्या है ना कि मेरा पेट दुख रहा है। सुधा की तीनों बेटियों को पता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, उसके पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। वो इसलिए खाने से मना कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बच्चियों को खाना घटे नहीं। सुधा एक मछुआरिन थी, कुछ दिनों पहले की बात है। मछली पकड़ने वाले अपने फटे हुए जाल को सुधा बार बार देख रही थी और नदी में उसी जाल को डाले मछली पकड़ने की आशा में खड़ी थी, लेकिन सुबह से दोपहर होने को आई उसका जाल खाली का खाली रह गया। लगता है आज फिर से मुझे और मेरी तीनों बेटियों को भूखे ही सोना पड़ेगा, 2 दिन हो गए मेरी बच्चियों ने कुछ भी नहीं खाया है, हे माँ दुर्गा ये कैसी परीक्षा है मेरी। सुधा के पति विनायक की मौत 2 साल पहले तब हो गई थी जब वो नदी में मछली पकड़ने गया था, लेकिन अचानक जोर का तूफान आ गया, पूरे 3 दिन के बाद उसकी लाश नदी से मिली। विनायक अपने पीछे अपनी पत्नी सुधा और 3 बेटियां
मीना, गीता और सुनीता को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। माँ, बाबा को बोलो ना कुछ बोलने के लिए, वो हमें आंखें खोलकर देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? और माँ, इनकी पलकें क्यों नहीं झपक रही हैं? ये अपने हाथ क्यों नहीं हिला पा रहे? और इनका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ गया है? माँ। अपनी बेटियों के किसी भी सवाल का जवाब मीना के पास नहीं था। वो तो बस पथराई आंखों से अपने पति के मृत शरीर को देख रही थी और दुर्गा माँ का ध्यान करते हुए कह रही थी, माँ क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में जो मेरा सुहाग उजड़ गया, अब कैसे जीऊंगी मैं, कैसे। लेकिन बड़े से बड़ा दुख और घाव समय के साथ भरता ही है, उसे भरना ही होता है, क्योंकि जीवन तो गतिमान है ना, ये रुक नहीं सकता। सुधा के कांधों पर तीन बच्चियों के जीवन को चलाने और उसका पेट भरने की जिम्मेदारी आ तो गई थी, लेकिन वो चाह कर भी उन जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रही थी। इस पुराने जाल से मछली तो पकड़ में आने से रही, और नए जाल के लिए पैसे नहीं है, महाजन के पास गई तो। सुधा के पति ने पहले से ही महाजन से नए जाल के लिए कर्ज ले रखा था, जिसे वो धीरे धीरे चुका भी रहा था, लेकिन महाजन की मक्कारी के कारण उसका कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा था, जो अब सुधा को चुकाना था। बड़ी बेशरम औरत हो तुम, अरे तुम्हारे पति का कर्जा अभी चुका नहीं और तुम आ गई नया कर्जा मांगने। तुम्हें क्या मैं कोई पागल नजर आता हूँ जो अपने पैसे लुटाऊंगा? कान खोल कर सुन ले, पहले पुराने कर्ज की एक एक पाई चुका, नहीं तो जिस घर में तू रहती है ना उसे भूल जा। ले देकर सुधा के पास एक छोटा सा घर था जिसमें वो और उसकी बेटियां अपना सिर छिपाती थी, लेकिन महाजन ने उसे भी छीनने की बात कही तो सुधा का सब्र जवाब दे गया। वो उसी दिन मंदिर गई और माता दुर्गा से शिकायत करने लगी, माँ जब आपकी पूजा भक्ति करने के बाद भी दुखी भोगना है तो मैं तेरी पूजा क्यों करूं? तूने मेरा पति छीन लिया, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, महाजन घर छीनने के लिए आंखें दिखा रहा है, इसका मतलब तू है ही नहीं, सिर्फ पत्थर को पूछती हूँ मैं, और पत्थर तो किसी काम का नहीं, जा आज से मैं तेरी पूजा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये कहकर जब वो अपने घर लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे हैं, तो उसने भी भीख मांगने का तय कर लिया। जीवन में पहली बार उसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी, भगवान के नाम पर पैसे दे दो भैया, माता के नाम पर दो पैसे दे दो। भीख से उसे उस दिन 10 रुपए मिले और वो उन पैसों की रोटी खरीद कर अपने घर पहुंची। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सबसे छोटी बेटी बुखार से बेसुध पड़ी है, यहाँ तक कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही है। सुनीता, सुनीता क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ, आंखें खोलना। लेकिन सुनीता ने आंखें नहीं खोली, वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे कहाँ थे। वो फिर से रात को महाजन के पास पहुंची और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। अरे तू इतनी रात को पागल हो गई है क्या? एक बार तुझे कहा कि पहले मेरे पैसे चुका फिर आना, तुझे समझ नहीं आई मेरी बात? चल भाग यहाँ से, नहीं तो जूते से मार कर भगा दूंगा, चल भाग। ये कहकर महाजन ने अपना जूता खोला और उसके सिर पर दे मारा, लेकिन सुधा उसकी परवाह किए बिना उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, लाला लाला कुछ तो दया कर, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रही है। अरे मर गई होगी, जा जाकर उसका क्रिया कर्म कर दे। लाला ऐसी कठोर बातें न कहो, मुझे 100-200 रुपए उधार दे दो, उसे डॉक्टर को दिखाना है। रुपए क्या पेड़ पर लगते हैं, जो चली आई मुंह उठा के। हाँ लाला, लाला दया करो, दया करो लाला। ठीक है 100 रुपए दे देता हूँ, लेकिन आज से तेरा घर मेरा, बोलो मंजूर है? मजबूरी वो राक्षस है जो आपकी खुशियों को निगल लेता है, सुधा ने हाँ कह दी। उसकी बेटी को डॉक्टर तो मिल गया लेकिन इन लोगों के सिर से छत भी छिन गई। अब ये तीनों माँ और बेटी मंदिर के बाहर भीख मांगती और वहीं सीढ़ियों पर सो जाती। इस बीच नवरात्रि शुरू हो गई, मंदिर में लोगों की भीड़ थी लेकिन ना तो सुधा मंदिर जाती और ना ही उसकी बेटियाँ। पूजा का दूसरा दिन था, पुजारी जी पूजा कर रहे थे, अचानक उनकी नजर दुर्गा माँ की मूर्ति पर गई जिसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। हे माँ दुर्गा, ये किस अनर्थ की ओर इशारा है आपका, आपकी आंखों में आंसू क्यों? थोड़ी ही देर में श्रद्धालुओं के बीच ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि माँ दुर्गा रो रही है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सारे भक्त हाथ जोड़े माँ की मूर्ति के आगे खड़े हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, इस पवित्र दिनों में हम भक्तों से क्या गलती हो गई जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? हे माँ, हमारी गलतियों के लिए क्षमा करे हमें, लेकिन अपने आंसू रोक ले माँ। लेकिन माँ की मूर्ति से आंसू निकलने का सिलसिला जारी रहा, धीरे धीरे वो आंसू इतना बढ़ गया कि माता की मूर्ति उसमें डूबने लगी। लोग अब बहुत ज्यादा डर गए थे,
उन्हें लगने लगा था कि जरूर प्रलय आने वाला है। वे सभी डर से कांपने लगे। भाइयों, माता के आंखों से निकलने वाला आंसू नदी का रूप ले रहा है, कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कुछ ही देर में सैकड़ों साल पुराना वो मंदिर डूबने लगा। मंदिर का पुजारी अब भी आंखें बंद किए माँ की प्रार्थना कर रहा था। हे माँ, हमारी गलती के लिए क्षमा करिए हमें, लेकिन हमसे रूठिए मत, हमें छोड़कर मत जाइए माँ। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मंदिर के बाहर सुधा और उसकी बेटियाँ चुपचाप बैठी हुई थी। तभी माता रानी वहाँ प्रकट हुई और बोली, सुधा तू नाराज है ना मुझसे, मेरी पूजा नहीं करती ना? ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए ये मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। दुर्गा माँ ने ये बात रोते हुए कही तो सुधा का कलेजा फट गया और वो माता के पैरों में गिर पड़ी। नहीं माँ, नहीं, मेरी गलती की सजा इतने सारे लोगों को मत दे। बेटी, जब सच्चा भक्त मेरी आराधना से दूर होता है ना, तो मुझे भी दर्द होता है, बहुत दर्द। लेकिन माँ, तुझे पता है ना मैं तेरी भक्ति से दूर क्यों हुई? बेटी, परीक्षा के समय धैर्य की आवश्यकता होती है। राम जी ने 14 वर्ष धैर्य रखकर वनवास काटा, कृष्ण को भी अपनी नगरी छोड़कर जाना पड़ा। मानव जीवन में तो परीक्षा होती रहेगी, कभी कड़ी तो कभी साधारण, लेकिन उस समय भक्ति नहीं छोड़नी, और भी ज्यादा करनी है। और जहाँ तक रही तुम्हें तकलीफ देने वाले लोगों की, तो उन्हें तो उसकी सजा जरूर मिलेगी। माँ, मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी तेरी पूजा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर माँ अंतर्धान हो गई। मंदिर के पुजारी समेत सभी लोग आश्चर्य में थे कि एक साधारण से मछुआरन के लिए माता दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई थी। लोगों की भीड़ में वो महाजन भी था जिसने सुधा का घर छीना था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और उसे लकवा का दौरा पड़ा। उसका मुंह टेढ़ा हो गया और वो मंदिर के प्रांगण में गिरकर छटपटाने लगा। सुधा ने उसकी जब ये हालत देखी तो वो आंख बंद कर माता रानी से उसे ठीक करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना को सुनकर महाजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने थरथराते होठों से कहा, मैंने तेरे लिए इतना बुरा किया, लेकिन तू मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। फिर माता दुर्गा ने सुधा की प्रार्थना सुनी और महाजन को ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद महाजन ने न सिर्फ उसका घर वापस किया बल्कि उसके पति का कर्ज भी माफ किया और उसे कुछ पैसे भी दिए जाल और नाव खरीदने के लिए। सुधा आज उसी जाल और नाव से अपनी तीनों बच्चियों का पेट पाल रही है और माता के गुण गाते वो कभी नहीं थकती। हमेशा वे सभी गाते हैं, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया और उसका बेटा और पत्नी नीमा थी। नीमा बहुत काली थी जिसकी वजह से वो अपनी सास के ताने अक्सर सुनती रहती थी। पता नहीं मेरे बेटे ने इस काली में ऐसा क्या देख लिया जो इतनी सुंदर लड़कियों को फेल करके इससे शादी की, पूरी जिंदगी अब इस काली को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, नीमा माता तुलसी की भक्त थी, उनकी हमेशा पूजा किया करती थी। एक दिन नीमा सुबह सुबह तुलसी माता की पूजा कर रही थी, तब उसकी सास कहती है, अरे ओ काली माई, तुझे कितनी बार कहूँ कि पहले मुझे चाय दे दिया कर, पूजा पाठ तो बाद में भी कर सकती है ना। माँ जी, मैं इतनी सुबह सुबह उठ जाती हूँ, अपनी तुलसी माता की पूजा करती हूँ, फिर घर के इतने काम करती हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी चाय बना देती हूँ। तुझे अपनी छगन मगन में फुर्सत मिले तब करेगी ना कुछ, और मैं क्यों रुकूं, मुझे तो मेरी चाय चाहिए तो चाहिए। बस ला रही हूँ माँ जी, वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी जल्दी चाय पीकर कहाँ जाएंगी, अभी तो अंधेरा हो रहा है। तू मुझसे जुबान मत लड़ा, भले ही अंधेरा हो रहा हो लेकिन मुझे तेरी सूरत दिख रही है तो इसका मतलब अंधेरा नहीं है, क्योंकि अंधेरे में तो तू दिखाई ही नहीं देती, है ही इतनी काली। तभी नीमा का पति वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे बेटा क्या बताऊँ, मेरा तो जीना ही हराम हो गया है, तेरी बहू हमेशा मुझे कुछ न कुछ ताने मारती ही रहती है। अरे मैंने सुबह चाय क्या मांग ली, मुझसे बोल रही है कि मैं रात भर जागती ही रहती हूँ और तुम निठल्ली बैठी रहती हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को ऐसे बोलेगी? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अभी अंधेरा हो रहा है, अभी चाय पीकर कहाँ जाएंगी आप? अगर माँ ने कहा चाय बनाकर दे तो दे, चुपचाप चाय बनाकर दे देती, बहस करने की क्या जरूरत थी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर नीमा अपनी सास के लिए चाय बनाकर दे देती है। फिर दोपहर में जब सब खाना खा रहे होते हैं तो बुढ़िया बहुत तेज से चिल्लाती है, ए
भगवान, ये दाल में कितना नमक डाल दिया है। एक काली सिर्फ सूरत से ही नहीं दिमाग से भी तू काली ही है। बुढ़िया हो जाएगी लेकिन इसे सब्जी बनानी नहीं आएगी। आज तक नहीं पता चला कि दाल में कितना नमक डालते हैं। तभी नीमा का पति कहता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे अपनी बहू को तू ही खाना बनाना सिखा दे। इसके घर वालों ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखा कर भेजा। दाल खाकर देख, ऐसा लग रहा है जैसे जहर मिला दिया हो। नीमा, क्या तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? इतना नमक क्यों भर दिया? देखो माँ के मुँह का स्वाद खराब हो गया। अजी, मैंने तो नमक सही डाला था, ना जाने कैसे तेज हो गया। अब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पीने के लिए पानी दे दो। पूरा मुँह नमक से कड़वा हो गया। ये भी सिखाना ही पड़ेगा क्या इसको? नीमा घड़े में पानी देखने जाती है तो उसमें पानी नहीं था। अरे सुबह तो घड़े में पानी भर कर लाई थी लेकिन अब इसमें पानी ही नहीं है। आखिर पानी कहाँ चला गया? अरे क्या हुआ, तू अभी तक पानी लेकर नहीं आई? अरे मेरा मुंह कड़वा हो गया क्या? एक बार मैं तुझे सुनाई नहीं देता। माँ जी, घड़े में पानी तो रखा था लेकिन पता नहीं कैसे खाली हो गया। हाँ तो तू क्या सोच रही है कि मैंने सारा पानी घड़े से बाहर फेंक दिया? अरे तू लाई ही नहीं होगी काम चोर कहीं की। तुझे तेरी तुलसी माँ से फुर्सत मिले तो भी तो कुछ काम करेगी ना। फिर नीमा दोबारा घड़ा लेकर पानी लेने के लिए जाती है। कड़ी धूप में मटके में पानी लेकर वो वापस आ जाती है कि उसे घर के आंगन में अपनी तुलसी माता का पेड़ दिखाई देता है तो नीमा वहाँ बैठ जाती है। हे तुलसी मैया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। मेरी गलती बस इतनी है कि मेरा रंग काला है। क्या इसकी सजा मुझे जीवन भर मिलती रहेगी? तभी नीमा की सास वहाँ आ जाती है। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? अरे मुझे पानी नहीं देना क्या? यहाँ मेरा मुंह कड़वा हो रहा है और तू अपनी इस तुलसी माता के पास बैठकर आराम फरमा रही है। माँ जी, मैं तो पानी ही लेकर आ रही थी, थोड़ा थक गई थी इसीलिए बस अपनी तुलसी माता के पास बैठ गई थी। अच्छा तो तू अब मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी? मैं तुझे अभी बताती हूँ, रुक जा। बुढ़िया नीमा को मारने लगती है। तभी बुढ़िया की बेटी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ माँ, क्यों मार रही हूँ भाभी को? इस कलमूही से ही पूछ ले। अरे मैंने मांगा था पानी, इसने पानी लाने में घंटा भर लगा दिया और यहाँ अपनी तुलसी माता के पास बैठकर आराम फरमा रही है। अरे माँ, भाभी को छोड़ दो, चल मैं इतने दिनों बाद अपने घर आई हूँ। आ जा बैठकर बातें करते हैं। बुढ़िया और उसकी बेटी बातें करते हैं। नीमा सारा घर का काम कर लेती है। फिर नीमा की ननद जाने लगती है तो बुढ़िया नीमा का हार देते हुए उससे कहती है, ले मेरी बच्ची, इसको अपने साथ ले जा, तेरे ऊपर बहुत जचेगा। लेकिन माँ, ये तो भाभी का है ना, तुम उसका हार मुझे क्यों दे रही हो? अरे मैं तुझे दे रही हूँ ना, तू ले जा। वैसे भी तुझे हमने दिया ही क्या था, और ये काली इसको पहनकर क्या करेगी? जब खुद ही सुंदर नहीं है तो सोना भी इसके ऊपर कहाँ से अच्छा लगेगा। फिर शाम को जब नीमा का पति घर आता है, अरे नीमा अपना वो सोने का हार मुझे दे दे, कभी घर में से कोई चुरा कर ले गया फिर तुम मुझे बोलोगी। अभी लाई माँ जी। नीमा अपने कमरे में देखती है लेकिन वहाँ पर उसे हार नहीं मिलता। माँ जी, वहाँ पर तो हार नहीं रखा, पता नहीं कहाँ चला गया। रखा भी कहाँ से होगा, तूने अपने घर वालों को दे दिया होगा और अब ना अटक कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैंने कहीं किसी को नहीं दिया। तो तूने बेच दिया होगा। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना किसी को दिया ना बेचा, मैंने तो यहीं पर रखा था। तो तू कहना क्या चाहती है, कि मेरी बेटी आई थी तो मैंने अपनी बेटी को हार दे दिया है? बेटा तू ही देख ले, इसने हार पता नहीं कहाँ घुमा दिया है और इल्जाम मेरे सर पर लगाना चाह रही है। नीमा का पति उसे पीटने लगता है। तभी बाहर आंगन में तुलसी माता की शाखाएं बढ़ने लगती हैं और बढ़ते हुए घर के अंदर तक आ जाती हैं और बुढ़िया उसके बेटे के हाथ पैरों से लिपट जाती है और उन्हें हवा में लटका देती है। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया, ये तुलसी माता की शाखा अचानक से कैसे बढ़ती गई है? अरे हमें बचा लो ए भगवान। तभी वहाँ पर तुलसी माँ प्रकट होती है। बुढ़िया, तुझे बहुत लालच है ना चीजों का, अब देख मैं तुझे कितना मालदार बनाती हूँ। तुलसी माता बुढ़िया को जमीन पर छोड़ती है और उसके ऊपर हीरे जवाहरात बरसाना शुरू कर देती है जिसके वजन से बुढ़िया का दम घुटने लगता है। फिर बुढ़िया अपनी बहू से कहती है, अरे बेटी मुझे बचा ले बेटी, ए बेटी। तब तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर नीमा कहती है, हे माँ इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने अनजाने में ये सब किया। आप तो माता हैं, क्षमा करना आपका स्वभाव है, तो इन्हें भी क्षमा कर दीजिए माँ। अगर मैंने आपकी सच्चे दिल से भक्ति की है तो इन्हें छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर तुलसी माँ बोलती है, बेटा नीमा तू तो कितनी अच्छी है और तेरी सास कैसी है, तू मेरी सच्ची भक्त है, इसी कारण आज मैं इन्हें क्षमा कर रही हूँ। तभी बुढ़िया गहनों से निकलकर बोलती है,
हे माँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं लालच में अंधी हो गई थी और अपनी बहू के साथ अत्याचार करती रही। मैं अब इसको अच्छे से रखूंगी, बिल्कुल अपनी बेटी मानकर। और हाँ बेटा, मैंने इसका हार अपनी बेटी को दे दिया था, मैं उससे वापस मंगवा लूंगी। तुलसी माता फिर नीमा की तरफ मुस्कुराती हुई विलुप्त हो जाती है। उस दिन के बाद से बुढ़िया और नीमा खुशी खुशी रहने लगते हैं। तारा एक अपाहिज महिला थी, उसका एक पैर खराब था, लेकिन तारा को माँ शेरावाली पर बहुत विश्वास था, जिसके चलते वो हमेशा भक्ति में ही रहती थी। फिर तारा की शादी सुरेश नाम के लड़के से हो जाती है। सुरेश को शराब की बहुत बुरी आदत थी और तारा के घर वालों ने उसे अच्छा खासा दहेज दिया था, जिस वजह से सुरेश ने अपाहिज तारा से शादी कर ली थी। ओए अपाहिज, सुन, तेरा बाप ने तुझे जो भी पैसा दिया था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तू अपने बाप से और पैसे लेकर आ। अजी, आप कैसी बातें करते हैं? मेरे पिताजी के पास तो जो भी कुछ था वो सब वो आपको पहले ही दे चुके हैं, अब मुझे देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुझसे इसीलिए शादी की थी ताकि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सके और मैं जिंदगी भर आराम से बिना कुछ किए शराब पी सकूं, समझेगी नहीं? आप इतनी शराब पीते ही क्यों हैं? हमारी शादी को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और आप मुझसे सही से बात भी नहीं करते, बस शराब पीने में लगे रहते हैं। ज्यादा जुबान मत चला, अगर अब एक शब्द भी निकला तो देख लेना। और सुन, तू कुछ भी कर, बस मुझे पैसे चाहिए वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तारा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी तारा की सास वहाँ पर आती है। तारा को लगता है कि उसकी सास उसकी कुछ मदद करेगी। फिर उसकी सास कहती है, अरे बेटा, बहू से क्यों लड़ाई कर रहा है? ये बेचारी अपाहिज क्या कर सकती है? चल तू परेशान मत हो, ये कल ही तुझे अपने पिता से पैसे ला कर देगी। क्यों बेटी, तुम पैसे ला कर दोगी ना? माँ जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पिताजी के पास जो भी कुछ था वो पहले ही दे चुके हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है देने को। देख तारा, या तो तू मेरे बेटे के लिए पैसे लेकर आ, वरना यहाँ नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। पर माँ जी, मैं तो पहले से ही घर का सारा काम करती हूँ, अब और क्या करना है? अच्छा, घर के काम करने से क्या पैसे मिलते हैं? तुझे बाहर खेतों में भी काम करना पड़ेगा जिससे कुछ पैसे आ सके, वरना अपने बाप से ही पैसे लेकर आ। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। सुन अपाहिज, हम कुछ नहीं जानते, जाकर पैसे लेकर आ, या तो अपने बाप से या बाहर काम करके। मैं अपने पिताजी से और पैसे नहीं मांग सकती, मैं खेतों में काम करके जो भी पैसा कमाऊंगी उन्हें आप ही रख लेना। ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो शाम तक मेरी शराब के लिए पैसे चाहिए, समझी? चाहे तो कुछ भी कर, पर मेरे पैसे शाम तक चाहिए। तारा ये सब सुनकर देवी माँ की पूजा करने चली जाती है। और कुछ दिनों बाद नवरात्रि आने वाली होती है, तो तारा नवरात्रि की तैयारियां कर रही थी, तभी उसका पति उससे आकर कहता है, मेरी शराब के लिए तो तेरे पास पैसे नहीं है, फिर तो ये देवी के लिए इतना सारा सामान कहाँ से लाई? ये मेरे ही पैसे होंगे। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, मैंने खेतों में और लाला की दुकान में कुछ काम किया था, उससे ही मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले थे, मैं उसी से शेरावाली माँ के श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने तो तुझसे कहा था कि खेतों से जो भी पैसा मिलेगा वो तो मुझे देगी, तो वो पैसा तेरी देवी माँ पर खर्च करने लगी। हाँ? ये कौन सा कुछ करती है जो तो इन पर फिजूल खर्च कर रही है। हाँ? तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरी शेरावाली माँ सबको सुख देने वाली है और तुम उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आज तक तेरी देवी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, अगर सच में देवी होती तो तू आज अपाहिज ना होती, ना ही तुझे मेरे जैसा शराबी पति मिलता। शेरावाली माँ जो करती है सही करती है, पर अगर उन्होंने चाहा तो मेरा पैर भी सही हो जाएगा और तुम्हारी ये नशे की आदत भी छूट जाएगी। मुझे मेरी नशे की आदत नहीं चढ़वानी, बस मुझे शराब के लिए पैसे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ला, पैसे दे मुझे। तभी तारा की सास आ जाती है। अरे बेटा, अब क्या हो गया, तू बहू पर क्यों चिल्ला रहा है, अब इसने क्या कर दिया? अरे माँ, तुम नहीं जानती हो, इसने खेतों में काम करके जो पैसे कमाए थे उससे देवी माँ का सामान खरीद लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया, ना ही घर में आज खर्च करने के लिए एक भी रुपए दिया, ये सारे पैसे माता रानी के सामान में खर्च कर आई। ठीक है बेटा, तो आज ये देवी माँ के लिए सामान लेकर आई है तो अब देवी माँ ही इसे खाने को देगी, आज से इसका खाना पीना बंद, अगर ये पैसे लेकर आएगी तो ही इसको खाना मिलेगा वरना नहीं। ठीक है, सुन तारा, सुन लिया ना जो माँ ने कहा, आज से तेरा खाना पीना बंद, समझी? जी, पर परवार कुछ नहीं, पैसे लाना और खाना खा लेना। फिर तारा नवरात्रों के व्रत रखती है और शेरावाली माँ की पूजा करती है।
और व्रत के आखिरी दिन सोचती है, आज मुझे शिरा वाली माँ के व्रत का उद्यापन करना है और मेरे पास पैसे नहीं है। अब कंजक को क्या दूंगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसों का इंतजाम हो पाएगा। फिर तारा पास की एक लकड़ी की दुकान पर जाती है और कहती है, भाई साहब मुझे थोड़े पैसे चाहिए, उसके बदले मैं आपके यहाँ पर कुछ काम कर दूंगी। अरे तुम यहाँ क्या काम करोगी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है। भैया मैं तुम्हारी लकड़ियों के गट्ठर को इधर से उधर अपने सर पर उठाकर रख दूंगी, मुझे शेरा वाली माँ का उद्यापन करना है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है बहन, मैं तुम्हारी मेहनत के हिसाब से तुमको पैसे दे दूंगा। फिर तारा पूरे दिन काम करती है, लेकिन अपाहिज होने के कारण वो थोड़ी ही लकड़ी को रख पाती है। शाम को मालिक उसे काम के हिसाब से पैसे दे देता है। फिर तारा कहती है, मुझे अब कंजक को देने के लिए पैसे तो मिल गए, तो अब मुझे कुछ खाने पीने का सामान भी ले लेना चाहिए। फिर तारा खाने का कुछ सामान लेकर घर चली जाती है और उद्यापन के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बना लेती है। तभी वहाँ पर उसका पति आता है। तारा तूने फिर से घर में चोरी की, फिर से तूने माँ के पैसे निकाले और सामान लेकर आई। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने दिन भर लकड़ी की दुकान पर काम किया था और उसके बदले में मुझे पैसे मिले थे। मेरी शराब के लिए तो तेरे पास पैसे ही नहीं होते हैं? और अपनी देवी माँ के लिए पता नहीं क्या क्या काम करती है। क्या दिया तेरी देवी माँ ने आज तक तुझे? अब तू यहाँ से निकल जा और लौट कर मेरे घर कभी वापस मत आना। जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? कहीं भी जा, पर मेरे घर से निकल जा, जा। तारा ये सब सुनकर रोते रोते चली जाती है। सुरेश उसका बना प्रसाद इधर उधर फेंक देता है, जिससे शेरा वाली माँ क्रोधित हो जाती है और गुस्से से उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो सुरेश को अपाहिज बना देती है। उधर तारा रोते रोते मंदिर के पास पहुँचती है और देवी माँ के सामने रोने लगती है और कहती है, हे देवी माँ, मैं इतनी श्रद्धा से तुम्हारी भक्ति करती हूँ और मेरे पति और मेरी सास मुझ पर अत्याचार करते हैं, आपकी पूजा भी नहीं करने देते, मैं क्या करूँ माँ, मुझ पर दया करो माँ, हे माँ। तारा इतना ही कहती है तभी तारा के एक पैर में हलचल होने लगती है। तभी तारा के पैर पर एक चमकती हुई रोशनी आती है और तारा का पैर ठीक हो जाता है। ये देख कर वो बहुत खुश हो जाती है और वो शेरा वाली माँ की जय जयकार लगाती है। हे शेरा वाली माँ, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझ अपाहिज को सही कर दिया। माँ आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, आज मेरी भक्ति की जीत हुई है, जय हो माँ। फिर तारा वापस अपने घर की तरफ चल देती है। घर पर जाकर वो देखती है कि उसका पति अपाहिज हो चुका था। ये देख कर वो बहुत उदास हो जाती है और शेरा वाली माँ के सामने जाकर कहती है, शेरा वाली माँ ये आपने क्या किया, अब चाहे तो मेरे दोनों पैर अपाहिज बना दो, मेरे हाथों को भी अपाहिज बना दो, लेकिन मेरे पति को सही कर दो, मैं इनको ऐसे नहीं देख सकती, हे माँ। तारा की सास सुरेश के पास बैठकर रो रही होती है। ये मेरे बेटे को क्या हो गया, अच्छा खासा मेरा बेटा अपाहिज कैसे हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। फिर तारा देखती है कि उसका बना हुआ प्रसाद इधर उधर बिखरा हुआ था। ये देख कर तारा बोलती है, माँ आप लोगों ने शेरा वाली माँ के प्रसाद का अपमान किया है, आप शेरा वाली माँ से क्षमा मांग लो, देवी माँ आप लोगों को जरूर क्षमा कर देंगी। इतना सुनकर सुरेश और उसकी माँ देवी माँ से क्षमा याचना करते हैं। देवी माँ भूलवश हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हम आज के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, हे माँ हमें माफ कर दो। फिर तारा बोलती है, हे शेरा वाली माँ इनके किए हुए कार्य की मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है तो मेरे पति को स्वस्थ बना दो, इन्हें माफ कर दो माँ, हे माँ। फिर शेरा वाली माँ तारा की विनती सुन लेती है और उसके पति के दोनों पैरों को सही कर देती है, जिससे सास बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे उसके पति की शराब की आदत भी छूट जाती है। अब उसकी सास तारा से बहुत खुश रहने लगती है और वो सब मिलकर देवी माँ की पूजा करते हैं।